तो हमारे छोटे भाई साहब आ गए वॉकी वॉकी पे और पलटन आई थी साथ में, लेकिन पीछे रह गई, किसके घर घुस गई। इससे पहले ये लड़ाई करवाएं हम निकल आए। अब हमारे बड़े भाई साहब आ गए घूमने और आज तो इतनी भयंकर वाली गर्मी होने वाली है कि सुबह ही सुबह सूर्य देव इतने प्रसन्न है हम पे कि बहुत तेज धूप है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। पहले मैं सोच रही थी कि सारी सफाई वगैरह करके नहा धो के तब आप लोगों को मिलूंगी, लेकिन मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बीच बीच में शहजादा काफ़ी शरारतें करता रहता है, तो जो वो ब्लेंडर मचाता है ना उसको भी साफ करने में मैं भटक जाती हूँ अपने काम से। काम कुछ और कर रहे होते हैं, ये कुछ और कर देते हैं। अभी देखो मैं दिखाती हूँ इसने क्या किया है। यहाँ पे भाई साहब डिगिंग कर रहे थे। मैं देख रही हूँ घर में शांति क्यों लग रही है, आके देखा तो शहजादी जी ये सब करके गए हैं। तो गाइस मैं हो गई नहा धो के रेडी, बस दुपट्टा लेना है और इन दो तीन झमूरों को भी साथ में लेना है और करनी है हमें पूजा स्टार्ट। ये मैं तोड़ के लाई हूँ अपने गार्डन से फूल, जब चढ़ाने वाली हूँ पप्पा को। तो गाइस चलो अब लगते हैं अपने काम पे। मैं बनाने लगी हूँ खाना, बच्चों को खाना खिला के जस्ट आई हूँ मैं। बिस्की को, नवाब को, शहजादे को, बाहर वाले बच्चों को, उनको तो खिला दिया। अब मैं अपने रोहन के लिए बनाती हूँ खाना, खा के मिलते हैं आप सबसे। और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ सुबह से उठ के। आज मैंने नहाने से पहले पूरी सफाई कर दी थी, उसके बाद में मैंने पूजा की है। तो गाइस खाना वगैरह बना के खा के रोहन गए हैं हमारे सीए सर के पास। रोहन ने खाना खा लिया और मैं आपको बताऊं, कल ना हमारे यहाँ पे नवाब की दुनिया में एक हमारा ही सब्सक्राइबर है और वो बच्चा आया था झारखंड से नवाब की दुनिया में काम करने के लिए। वो रात को 11 बजे के करीब आया और सुबह 6 बजे बिना बताए, बिना फोन के, बिना मैसेज किए निकल गया वहां से। जैसे उसे फोन किया तो वो कहता है कि भैया हम ना कर नहीं पाएंगे, नहीं लग रहा तुमसे ना हो पाएगा। और तो गोबर ने कहा कि हम तेरे को मारते पीटते थोड़ी भाई, बता के तो जाता कम से कम। हम लोग डर गए, हमें एकदम से ये हो गया कि यार बच्चे ना निकल गए हो, कैसे क्या हुआ, क्योंकि वो तो ये इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था। तो बोलता भैया मुझे लगा कि आप बुरा मान जाओगे। कह रहे बेटा अगर बुरा मानना होगा तो वो तो हम अब भी मान जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट बता के तो जाता, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, या बंधवा मजदूरी नहीं है कि हम जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के काम कराएंगे। आपका मन है तो करो, नहीं है तो नहीं करो। और हम तो पहले ही बोलते हैं कि काम मुश्किल है, अगर आपको लगता है कि आप कर पाओगे तभी आना। और आज हमारे बप्पा जी का है तीसरा दिन और घर में इतना पॉजिटिव माहौल है, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत मजा आ रहा है। और जो नवाब, शहजादा, विस्की तीनों है ना, ये भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, बहुत समझदारी दिखा रहे हैं। मेरे को छोटू से समझदारी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो बहुत समझदारी दिखा रहा है। पता है सारे दिन दिया रखा रहता है, फ्रूट्स रखे रहते हैं, फल रखे रहते हैं, एक बार भी नहीं जाता कि वह उनको मुंह मारे या खाने की कोशिश करे। तो अभी मेरे ख्याल से बेल बजी और डॉक्टर अनामिका आए हमारे गन्नू जी से मिलने। मैंने उनको बताया था, वैसे वो भी लेके आए हैं गन्नू जी, मैं उनके गन्नू जी से मिलने जा नहीं पाई क्योंकि घर पे कोई ना कोई तो रहना चाहिए। या गधे को यही नहीं दिख रहा कि मैं हूँ कहाँ। ये ऑस्कर की खुशबू ले रहे हैं, ये बहुत स्निफ करता है बहुत ज्यादा। खैर नहीं ऐसे कैसे, मेरी मम्मी का इंजेक्शन लगाते दो तो वो भी जार में। चल अंदर लेके चल, चल अंदर लेके चल, चल हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ के लेके जाता है, पकड़ा दे हाथ, हाथ लेके जाएगा पकड़ के। ना वो तू कहाँ, ना वो तो सच में पागल है यार। चाट गया, चाट गया, चाट गया, चाट गया, पूरा चाट गया। दीदी से तो मिलने दे, फिर अब तुम आओ, अब तुम आओ, ना ना तू कितना बदतमीज है, पागली कसम से। ये भाई साहब बैठे हैं लेकिन सो नहीं रहे हैं क्योंकि इनके पंचायत ना छूट जाए। ये भाई साहब तो है ही गऊ आदमी। खैर वो दीदी भी सो रही हैं, कह रही मेरा भी कोई काम नहीं है इनकी बातों में, लेकिन इससे इसे सब कुछ लेना देना है। आजा मामो, इसको आदि को प्यार कर दे। मैं पता है मेरे मुंह से क्या निकल रहा था अभी, आजा मोदी को प्यार कर दे। बोलो बार बार, बोलो बार बार, बोलो हर जगह पे, बोलो और जोर जोर से बोलो वाह मोदी जी वाह।
पता क्यों? क्योंकि हम तब से मोदक मोदक की बात कर रहे थे, मेरे मुंह पे मोदक की जगह मोदी आ गया। आदि को प्यार कर दे, प्यार का भूखा है आदि, आदि मांग बुला रहा है तुझे। पूछ देगा इसकी पूछ, कर लिया आदि को प्यार? शाजा ए शाजा, सो क्यों रहे तू, गोदी में जाके पड़ गया। ये देखो पूरा टब्बर छोड़ने आया है डॉक्टर नामिका को, वो जा रहे हैं अपने क्लिनिक। अब मैं दो तीन दिन बाद जाऊंगी अपनी जाड़ निकलवाने। बाय। ये देखो माय टाइगर। गाइस मौसम हो गया है बारिश वाला, इससे पहले मेरे धुले धुलाए कपड़े फिर से भीग जाएं, क्योंकि दो तीन बार ऐसा हो चुका है इस बार, तो मैं कपड़े उतार के रखती हूँ और बच्चों को सोच रही हूँ घुमा लाती हूँ। बाहर बिजली चमक रही है गुड्डू, और तुम तीनों मजे से सो रहे हो। चलो बाहर जाके देखते हैं। विचकू बिजली चमक रही है, सो रही थी विचकी भी, सो रही थी ये लोग भी सो रहे थे। बाहर ना बहुत तेज आवाज आई है, मैं जाके देखती शायद बारिश स्टार्ट हो गई है। नहीं बारिश वगैरह तो कुछ नहीं आ रही भाई, लेकिन बिजली क्यों चमक रही है? हाँ मौसम है बारिश वाला, लेकिन तो कब से बना हुआ है, बारिश पता नहीं आएगी कि नहीं। आ गई गुड़िया रानी आ गई, सफेद मलाई, हमारा सफेद भेड़िया और हमारा गुड्डू भेड़िया दोनों आ गए। चलो थोड़ा सा छुचू करो फिर अंदर चले जाओ। भाई देखो शहजादा तो पहुंच गया और छत पे, और मैं भी जाती हूँ पीछे से, उससे पहले ही मेरे पौधे तोड़े, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा एक गमला यहाँ से गायब कर चुका है। एक नहीं गमले तो काफी गायब कर चुका है, लेकिन वो काफी बड़ा था जो उसने किया। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ मेरी मधुमालती यहाँ पे फूल दे रही है, और उसके बाद में वहां पे फूल दे रही है। मैं जा रही हूँ पीछे पीछे शहजादे के छत पे देखने कि इससे पहले ही मेरा गमला तोड़े फोड़े। अभी तो फिलहाल यहाँ पे है और बादल बने हैं पीछे से, अब ये नहीं पता बारिश होगी कि नहीं होगी। वैसे जितनी गर्मी थी आज बारिश तो होनी चाहिए, और ना भी यहाँ पे। और ये मेरा गमला जो इसने तोड़ा कल, ये देखो यहाँ पे, ये मैंने इसके ग्रो बैग बना रखे हैं फीडिंग बैग के, तो ये क्या हालत की है देखो। अंश और कुंवर आए हैं, बोलो सॉरी। बोलो सॉरी, गुड बॉय, बोलो सॉरी। अंश आजा, वीडियो कंप्लीट कर ले। नींद में चाय पिलाई जाए बढ़िया सी। हाँ उससे पहले देखो फ्लेक्स कर रहा है अपना डोला। हाँ 16 इंची हो गया, आजा। हाँ जी, तो कुंवर और अंश अभी गए हैं, एक वीडियो हमने बनाई थी उसमें कुछ करेक्शन थी, तो हम मुझे कुछ वॉइस ओवर वगैरह करना था। तो अंश गया अभी, जस्ट कुंवर गया है। कुंवर को मेरे फ़ोन से कुछ काम था, तो मेरा फ़ोन उनके पास था, तो मैं कुछ भी उस बीच में जो भी मैंने एक्टिविटी की वो मैं बना नहीं पाई। और अभी मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि शाम हो चुकी है, अभी करते हैं पूजा। और अभी हमारे फ्रेंड है सचिन, मतलब रोहन के फ्रेंड है, और उसकी वाइफ है निमिषा, तो वो दोनों आने वाले हैं गणपति जी से मिलने के लिए। मिल ले, आजा मिल ले। इतना डर रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया ना। वो अभी चाची को टाइम लगेगा आने में, उनकी कॉल है, आजा तू, आजा जल्दी आ। तुझे क्या हुआ? ओह बस हो गया, चुप्पा खा ले। हाँ जी, तो जस्ट अभी सचिन और निमिषा निकले हैं घर के लिए, और काफ़ी लेट भी हो गया। वैसे तो हम लोगों ने खाना खा लिया है, और फीडिंग मैं नहीं जा पाऊँगी, कुछ दिन से मैं जा नहीं पा रही हूँ, रोहन ही जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है और लेट जाना सेफ नहीं है। तो रोहन जाएंगे फीडिंग के लिए, रोहन सुबह के गए जस्ट अभी, उनके जाने से 10 मिनट पहले ही आए, और वो भी जल्दबाजी करके आए कि मैं सचिन से मिल लूँगा, अदरवाइज तो और भी लेट हो सकते थे। तो आज बहुत रोहन का भी हैक्टिक दिन रहा और मेरा भी बहुत रहा, और टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह उठना है टाइम से और अपना काम करना है। और पापा को भी गुड नाइट करते हैं अभी। गाइस कपड़े चेंज किए हैं, हाथ मुंह धोए हैं, और बच्चों को खाना खिलाया। खैर हाथ मुंह धोने से पहले मैंने बच्चों को खाना खिलाया, नवाब को, शहजादे को, विस्की को, उनका खाना हुआ, देन चेंज किया, और अब मैं चली सोने, क्योंकि थकावट हो गई है बहुत ज़्यादा, सुबह उठना भी है टाइम से। बच्चों को आज तो धूप इतनी तेज थी सुबह 6-7 बजे से कि ऐसे लग रहा था कि मैं और जल्दी उठने चाहिए था मुझे, मतलब 5 बजे जाना चाहिए था। लेकिन सुबह का मौसम पता नहीं कैसा रहेगा, बट मैं यही सोच के चल रही हूँ कि अगर सुबह भी धूप निकलती है तो बच्चों को सुबह टाइम से घुमा के लेके आऊँ। और आज का दिन यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं।
गणपति बप्पा मौर्या, शुभ रात्रि, आपका दिन भी शुभ हो।